पटना सिविल कोर्ट परिसर स्थित ट्रांसफार्मर में लोड के कारण अचानक आग लग गई। इस दौरान ट्रांसफार्मर के नजदीकी बैठे अधिवक्ता बुरी तरह से झुलस गए। इस हादसे में एक वकील की मौत हो गई है, वहीं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल वकीलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं मृत वकील का नाम देवेंद्र प्रसाद बताया जा रहा है। घटना के बाद अशोक राजपथ में हड़कंप मचा हुआ है। तुरंत ही पीरबहोर थाना पुलिस और कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने सभी को पीएमसीएच में भर्ती कराया। इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया। इधर घटना के बाद अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट के गेट पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यहां सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। निधि सिंह के साथ साथियों की रिपोर्ट।